आज कांग्रेस के नेताओं ने भाषा की लक्ष्मण रेखा पार कर दी। चीन चीन करते करते कांग्रेस के नेता आज न जाने क्या क्या कह बैठे। नरेंद्र मोदी के बारे में अपशब्द कहा, नरेंद्र मोदी की पार्टी के बारे में गलत भाषा का इस्तेमाल किया। साल खत्म होने वाला है, दिसंबर के महीने में कुछ दिन बाकी हैं। इस वक्त देश में सबसे ज्यादा पॉलिटिकल हलचल रहती है। संसद में शीतकालीन सत्र चल रहा है, कई राज्यों में विधानसभा का विंटर सेशन शुरू हो गया है, लेकिन मोदी की विरोधी पार्टियां विंटर सेशन में खुलकर माहौल बनाकर रखना चाहती हैं। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, हर जगह मोदी के खिलाफ हमले तेज कर दिए गए हैं। विपक्ष के नेता फर्स्ट हाफ में सदन के अंदर हंगामा करते हैं, सेकेंड हाफ में सड़क पर मंच लगाकर अटैक करते हैं। मोदी का रास्ता ब्लॉक करने का जो प्लान बना है, इस फॉर्मूले से किसको शॉक लगेगा, इस रिपोर्ट से समझिए। जिस तरह चीन हम पर हमारी सीमाओं का अतिक्रमण कर रहा है, मिस्टर प्रमोद तिवारी, मिस्टर प्रमोद तिवारी, कुछ राज है। अगर ये चर्चा नहीं करेंगे, इसको अगर रूल सबर निकाल सस्पेंड करके चर्चा को अगर अवकाश देंगे, फिर किसको देंगे? हमें चर्चा करनी है, चर्चा करनी है। मैं इतने सारे उदाहरण दे सकता हूँ जब गंभीर विषयों पे इनके समय चर्चा नहीं हुई, जो डेप्यूटी चेयरमैन साहब ने खुद सदन पे कहा। बहाना चीन का है, टारगेट मोदी है। मोदी का रास्ता ब्लॉक करने के लिए विपक्ष की पूरी स्ट्रेटेजी तैयार है। मोदी के खिलाफ कहां का, किसने किसने मोर्चा लगाया, वो समझिए। सबसे पहला मोर्चा तैयार किया गया देश की संसद में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ 17 बड़े नेताओं ने फ्रंट खोल दिया है। 17 पार्टियों का अलायंस तैयार है, अटैक मोदी पर करना है। संसद में उसी के लिए बार बार अटेम्प्ट किया गया, मुद्दा चीन का उठाया गया, काम संसद का रोक दिया गया। चाइना ये बहुत बड़ा महत्व का विषय है। और प्लीज आज वो वहाँ पर अतिक्रमण कर रहे हैं, लोगों को हमारी जगह वो अतिक्रमण करके वहाँ पर पुल बनाए जा रहे हैं, घर बनाए जा रहे हैं, तोपखाने, कारखाने सब बना रहे हैं। तो इसीलिए ये महत्व का मुद्दा है। अगर ये चर्चा नहीं करेंगे, इसको अगर रूल सबर निकाल सस्पेंड करके चर्चा को अगर अवकाश देंगे, फिर किसको देंगे? प्लीज। कांग्रेस पहले दिन से मोदी मोदी कर रही है, विपक्ष उसी बात को दोहरा रही है। मोदी चुप क्यों है? मोदी बोलते क्यों नहीं? संसद में चर्चा क्यों नहीं करते? सारे काम रोक क्यों नहीं देते? मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, संसद के सारे काम रोक कर चीन पर चर्चा होनी चाहिए। जवाब पीयूष गोयल ने दिया। बार बार विषय उठाते हैं कि हमें चर्चा करनी है, चर्चा करनी है। मैं इतने सारे उदाहरण दे सकता हूँ जब गंभीर विषयों पे इनके समय चर्चा नहीं हुई, जो डेप्यूटी चेयरमैन साहब ने खुद सदन पे कहा। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, ये भी सच्चाई है कि आज से कई वर्ष पहले 2012 में इन्हीं की पार्टी के जो मंत्री थे, ई अहमद, उन्होंने सदन में कहा, मेक योर पॉइंट, मेक योर पॉइंट, चाइना कंटिन्यूज टू बी इन इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ 38,000 स्क्वायर किलोमीटर इन द इंडियन स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। 2012 का इन्हीं के मंत्री का ये वक्तव्य हाउस में एक सवाल के जवाब में। ऑनरेबल मैंने बिना बात की बेबुनियाद विषय उठाते, बेबुनियाद ये सदन की गरिमा को गिराते, और मैं समझता हूँ कि एलओपी मिसयूज कर रहे हैं कि उनके पद के वजह से वो उठ सकते हैं। मोदी विरोधियों की स्क्रिप्ट रेडी, आगे का प्लान भी तैयार है। देश की संसद को रोकना है, मोदी पर सवाल उठाना है, नियमों का हवाला देना है, और उसी के मुताबिक प्लान को अंजाम दिया जा रहा है। कांग्रेस लगातार चीन को लेकर सरकार की पॉलिसी पर सवाल उठा रही है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार चीन की हरकत की अनदेखी कर रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले ही इसका जवाब दे चुके हैं, अब विदेश मंत्री ने भी सरकार की लाइन क्लियर कर दी है। The honorable member also suggested government is indifferent, he used the word, indifferent to China. So I want to say something, sir. If we were indifferent to China, who sent the Indian army to the borders? Yeah. If we were indifferent to China,
Why are we today pressing China on disengagement and de-escalation? Why are we saying publicly that our ties are not normal? So we have no problem if there is political differences, if there is even political criticism. I have heard sometimes that my own understanding needs to be deepened. When I see who is giving the advice, I can only bow in respect. But I think we should not directly or indirectly criticize our jawans. Yeah. When our jawans, sir, are standing, sir, in Yangtze, at 13,000 feet, at 13,000 feet, they are standing there defending our borders. They do not deserve to have the word pitai. The word pitai should not be used for our jawans, sir. Sir, our jawans are standing their ground, so they should be respected, they should be honored, they should be appreciated. राहुल गांधी और उनकी टीम से जो भी बयान आ रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि चीन की फौज हमारी सेना के जवानों की पिटाई कर रही है। राहुल गांधी सेना पर सीधे सीधे सवाल उठाते हैं और उनकी टीम मोदी पर सीधे सवाल खड़े करती है, पहले संसद के अंदर, फिर संसद के बाहर, और उसके बाद राहुल गांधी के बगल में बैठकर हर जगह से कांग्रेस के नेता मोदी पर सीधा अटैक कर रहे हैं। राहुल गांधी हमेशा शक्ति की बात करते हैं। राहुल को सामने देखकर खड़के की शक्ति बढ़ गई। उन्होंने प्रधानमंत्री पर हमला तेज किया और मोदी को चूहा कह डाला। हमारे 20 लोग गलवान केस में जिनका जो शहादत दिए, उसके बाद 18 बार मोदी जी और चाइना के प्राइम मिनिस्टर मिले, झूले में बैठ के खेले, सब कुछ हुआ, लेकिन ये क्यों हो रहा? फिर रोज गलवान में हुआ, डोकलाम में हुआ, आज फिर ताइवान में हो रहा। चाइना आज जो आक्रमण कर रहा है उसके बारे में हम चर्चा चाहते हैं, दूसरा कुछ नहीं। लेकिन वो चर्चा के लिए तैयार नहीं है। बाहर तो शेर के जैसा बात करते हैं, लेकिन उनका जो चलना है वो सिर्फ आप देखेंगे तो चूहे के जैसा है। राहुल गांधी की पार्टी के अध्यक्ष मोदी को चूहा बोल रहे हैं। राहुल गांधी खुद सेना के शौर्य पर सवाल उठाकर कटघरे में हैं, लेकिन राहुल गांधी को इसकी जरा भी फिक्र नहीं है। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर सब पर भारी है, इसका एक एग्जाम्पल भी देख लीजिए। रास्ते पे कभी कभी, जैसे मैंने यहां बोला प्रेस के हमारे मित्रों, मुझे रास्ते पे अपने दूसरे प्यारे मित्र भी मिल जाते हैं। आमतौर से वो बीजेपी के ऑफिस के ऊपर खड़े होते हैं। मैं निकलता हूं, वो ऐसे खड़े रहते हैं। और मैं क्या करता हूं, मैं देखता हूं, पहले मैं उनसे यूं करता हूं, हाथ ऐसे रखते हैं। राहुल गांधी को वेव नहीं कर सकते, करना चाहते हैं मगर अलाउ नहीं है। मैं थोड़ा और करता हूं, फिर उनमें से एक दो यहां से हाथ हिला के यूं कर देते हैं, और फिर मैं आमतौर से जो आपने मुझे किया मैं करता हूं। कभी कभी वो देख के ऐसे करते हैं कि बात नहीं कर सकते ना, आते नहीं है, मना है। मैं नफरत नहीं करता उनसे, विचारधारा के खिलाफ लड़ता हूं, मगर वो अच्छे लगते हैं मुझे, सारे जीव अच्छे लगते हैं। तो कभी कभी वो यूं करते हैं, मतलब क्या कर रहे हो तुम, क्या कर रहे हो? कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर जा रहे हो, उनके नेता कभी कहते हैं राहुल गांधी क्यों चल रहा है? ये मेरे दिमाग में था थोड़ी देर के लिए, मैं सोच रहा था ये मैं कर क्या रहा हूं, पैदल चल रहा हूं, लोगों से मिल रहा हूं, गले लग रहा हूं, क्या कर रहा हूं? और जवाब मिल गया। उनके जो कार्यकर्ता हैं जो मुझसे यूं करते हैं, क्या कर रहे हो, उनके लिए जवाब।
नफरत के बाजार में, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। नफरत और मोहब्बत वाली ये बात राहुल गांधी अक्सर बोलते हैं। शब्द वही पुराने रहते हैं लेकिन डायलॉग नए नए तैयार करते हैं। लेकिन नफरत होती क्या है, इसका नमूना उनके नेता दिखा देते हैं। मोदी को चूहा कहने से मन नहीं भरा तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने उससे भी तीखी बात कह डाली। देश को हमने आजादी लाई है, देश को आजादी दिलाई है और देश के एकता के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान कुर्बान दी करी है। राजीव गांधी जी अपने जान दिए हैं इस देश के एकता के लिए। तो ये सब हमने किया, हमने अपनी जान दी, हमारे पार्टी के नेताओं ने जान दिया। तुम क्या किए? आपके घर में कोई देश के लिए कुत्ता तो मरा है? क्या कोई तो कुर्बानी दी है? नहीं, लेकिन फिर भी वो देशभक्त और हम कुछ भी बोलेंगे तो देशद्रोही। पहले दिल्ली, फिर राजस्थान और उसके बाद कर्नाटक। मोदी का रास्ता ब्लॉक करने के लिए एक और मोर्चा कर्नाटक में लगाया गया। कर्नाटक के बेलगावी में जमकर बवाल हुआ। इस बवाल के पीछे असली वजह है महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच बरसों पुराना बॉर्डर इशू। सड़क के किनारे खड़े इन वाहनों की कतार काफी लंबी है और वजह सियासी है। ये वाहन महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पर खड़े हैं। ये जगह है शिंगोली। अब आपको दिखाते हैं यहाँ से, देखिए किस तरह से, अगर आप वहाँ कैमरे की नज़र जाएगी तो ये जो बोर्ड आप यहाँ पर देख रहे हैं, थैंक यू विजिट अगेन, यहाँ पर कर्नाटक का बॉर्डर ख़त्म होता है और उसके तुरंत बाद महाराष्ट्र का बॉर्डर शुरू हो जाता है। अब आप इन तस्वीरों के जरिए समझिए कि वहाँ पर जो बॉर्डर है वहाँ पर महाराष्ट्र एकीकरण समिति के कुछ लोग सड़क जाम कर बैठे हैं। उनका ये कहना है कि जो भी प्रोटेस्ट की उन्हें इजाज़त अब तक कर्नाटक के अंदर मिलती थी, जब भी बेलगावी में शीतकालीन सत्र होता था, इस बार वो इजाज़त नहीं मिली। जिन लोगों ने बेलगावी में प्रोटेस्ट करने की कोशिश की उन्हें हिरासत में ले लिया गया और इसके विरोध में यहाँ पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। ये मसला अभी का नहीं है, पिछले 50-60 सालों से, कह सकते हैं कि 6 दशकों से ये लड़ाई चल रही है। यहाँ के लोग जो इस बॉर्डर एरिया में रहते हैं, मराठी बोलने वाले लोग हैं, उनका ये कहना है कि 16 स्क्वायर किलोमीटर तक की जो आबादी है जो मराठी बोलती है, वो ये चाहते हैं कि उनका महाराष्ट्र में विलीन हो जाए। ये मामला सुलझ जाए इसलिए कुछ दिनों पहले गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात की थी। ये तय हुआ था कि दोनों राज्य सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे, लेकिन सरकार अपने मिशन में आगे बढ़ती उससे पहले ही विपक्ष ने उसका रास्ता रोक दिया। कांग्रेस अब इसके लिए भी मोदी सरकार पर ही सवाल उठा रही है। नरेंद्र मोदी की सरकार महाराष्ट्र को तोड़ना चाहती है, यह अब स्पष्ट हो चुका है। जब राज्य के मुख्यमंत्री और कर्नाटक के मुख्यमंत्री का जो मीटिंग हुआ और उसमें जो बातें सामने आई कि किसी को भी मनाई नहीं की जाएंगी, जा आ सकते हैं, क्या राज्य के हमारे सांसदों को, हमारे विधायकों को क्यों लटकाया गया, क्यों उनको पुलिस के कस्टडी में लिया गया, ये सवाल जब सामने आता है तो केंद्र के नरेंद्र मोदी की सरकार का ही महाराष्ट्र को तोड़ने का प्लान बना हुआ है, ये अब स्पष्ट हो चुका है। नागपुर में महाराष्ट्र विधानसभा का विंटर सेशन शुरू हुआ था। पहले दिन जमकर हंगामा हुआ। कर्नाटक में वीर सावरकर की तस्वीर पर विपक्ष ने बवाल काटा। विधानसभा में वीर सावरकर की तस्वीर लगाने पर कांग्रेस विरोध कर रही है। एक तस्वीर पर विरोध के नाम पर कामकाज ठप हो गया, सिर्फ हंगामा होता रहा। क्यों बवाल कर रहे? पार्लियामेंट सेंट्रल हॉल में सावरकर जी का फोटो है या नहीं है? और स्वतंत्र वीर सावरकर है। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस आपके होंगे, आई डोंट डिनाई फॉर दैट। आपको क्या स्वतंत्र वीर सावरकर के डालने से आपको दुख होगा? किसका डालना है? सिद्धरामैया को पूछो, ये दाऊद इब्राहिम का डालना है क्या? ये क्या चाहते हैं? व्हाट डू दे नीड? बार बार ये भी कहते हैं कांग्रेस ने बलिदान दिया है, कांग्रेस में स्वतंत्र आंदोलन में भाग लिया है। वो कांग्रेस आपका नहीं है जी, आप समझ लो, आपका एक डुप्लीकेट कांग्रेस है, अभी नकली कांग्रेस है। संसद में हंगामा, महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा, कर्नाटक विधानसभा में हंगामा और उसके बाद मोदी के खिलाफ एक और मोर्चा हैदराबाद में खोला गया। मुद्दा यहां भी चीन था। गलवान हुआ था
उस वक्त भारत के प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम ने देश की जनता को ये बयान देकर गुमराह किया, एक मिसलीडिंग स्टेटमेंट दिया कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसेगा, और उसके बाद सारी दुनिया ने देखा, देश की जनता ने देखा कि पीएलए की फौज भारत की सरजमीन में घुसकर बैठ गई। कई एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि एलएसी के ऊपर करीब 628 मॉडल विलेजेस चीन बना रहा है और उसको इस्तेमाल करेगा एक स्टेजिंग एरियाज बिल्डअप के लिए। ये सरकार ये सब दुनिया देख रही है। इंग्लैंड का टेलीग्राफ अखबार ये रिपोर्ट लिखता है कि महीने में 2 मरतबा फेस ऑफ होता है भारत की आर्मी का पीएलए के साथ अरुणाचल प्रदेश में। सैटेलाइट इमेजरीज है कि चीन बैठा हुआ है। तो इस मसले में मोदी सरकार ट्रांसपेरेंट नहीं है, नंबर वन। दूसरा, वो आधी सच बोलते हैं आधा झूठ बोलते हैं, मिसरीडिंग फैक्ट्स कहते हैं, और अंग्रेजी में जो कहते हैं ना कि अम्यूजिंग डिस्ट्रैक्शंस। तो हमारी फौज स्ट्रांग है, बहादुर है, मगर हमारी सरकार बड़ी कमजोर है चीन के मामले में। चीन वाले मुद्दे पर पूरा विपक्ष एक सुर में बोल रहा है। मोदी को घेरने के लिए सारे विरोधी इसे सबसे बड़ा मौका मान रहे हैं। कांग्रेस इसमें कश्मीर वाला एंगल भी फिट कर देना चाहती है, इसीलिए अधीर रंजन ने लोकसभा में कश्मीर और पीओके की बात उठा दी। चिंता की विषय भी है सर, जम्मू कश्मीर घाटी में सर ये बेगुनाह लोगों की जान जाने की सिलसिला रुकने की थाम नहीं लेते हैं सर। सर कभी आतंकवाद की गोली से, कभी फौजियों की गलती से बेगुनाह लोगों की जान जाना बंद नहीं हो रहे हैं। सर ये सदन के अंदर बड़े सीने तान के कहे गए थे कि 370 धारा हट जाने की बात, कश्मीर की बात छोड़ी दीजिए, ये पीओके कब्जे में लाएंगे, अक्साई चीन कब्जे में लाएंगे, लेकिन आज हालत ये हो गया कि सर जम्मू कश्मीर से पंडितों भाग रहे हैं, पंडितों को खत्म करने के लिए सूची बनाई जा रहे हैं आतंकवादी की तरफ से, और वो सूची सर सरकारी दफ्तर से निकाले भी जा रहे हैं। तो इस हालत में देख सर हम चाहते हैं कि ये जम्मू कश्मीर की जो मसला है सर, इस मुद्दे को लेकर सदन में एक विस्तार से चर्चा हो, और सर इस तरीके की फौजियों की गलती से बेगुनाह लोगों की जान गई, आज पेपर में निकाली है, कमल कुमार, सुरेंद्र कुमार, अनिल राजौरी में, राजौरी में सर, तो इस विषय को लेकर सर सरकार एक बयान तो कम से कम दे, सरकार का बयान देना जरूरी है सर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।